हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का जो ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो जून 2011 में पूछा गया था सीएसआई नेट में, क्वेश्चन नंबर 46, और ये गारंटेड है। वेरिएशनल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन और कर्नल रिजॉल्वड करने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़रूर आपको मिलेगा सीएसआई नेट में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या कहती है, द वेरिएशनल प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्माइजिंग द फंक्शनल, जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 0 से 2 पाई डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। जो हमारे बाउंड्री रिस्ट्रिक्शन है वो दे रखे हैं वाई जीरो पे 1 है और वाई 2 पाई पे भी 1 है। तो इस पर कुछ डिस्कस करना है हमें कि कह रहे हैं कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, दो सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या फिर कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए करते हैं कैसे। हमें जो गिवन वेरिएशन प्रॉब्लम दे रखी है, जो दे रखी है हमने उसे ऐसे लिख दिया है 0 से 2 पाई एज इट इज़ जो दे रखा है ऊपर वो हमने लिख दिया। अब हमारे पास फंक्शन एक्स वाई वाई डैश में है, दे रखा है वो दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब होता है वाई डैश का स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये हमें दे रखा है फंक्शन एक्स वाई वाई डैश। तो कहीं ना कहीं हमें अब मदद लेनी पड़ेगी वेरिएशन प्रॉब्लम में, यूलर लैंग्वेज इक्वेशन की मदद लेनी पड़ती है। तो जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसका हमें वाई के सापेक्ष और वाई डैश के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना है। तो y के सापेक्ष करेंगे तो माइनस के 2y और y डैश के सापेक्ष करेंगे तो 2y डैश, ये मिल जाएगा हमें। अब यूलर्स लैंग्वेज इक्वेशन क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0 होता है। अब इसकी वैल्यूज और इसकी वैल्यूज हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, इन वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पर, y डैश का अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा। तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, तो इक्वेशन रिड्यूस होकर हमारे पास बन जाएगी वाई डबल डैश प्लस वाई इज कॉस्ट 0। यहाँ पर क्यू के पोर्शन पे देखिए 0 है, यानी कि आपको पीआई निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सीएफ ही आपका वाई दे देगा, मतलब आंसर जो फंक्शन होता है वो दे देगा फंक्शन का सोल्यूशन। तो वाई डबल डैश प्लस वाई है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 इज कॉस्ट 0, ठीक है। इसका मतलब यही तो है डी y अपॉन सॉरी डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई, और यहाँ से आप डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई बाहर आ जाएगा। तो इसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं m और y के प्लेस पे आपको 1 रखना होता है, तो m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है वो सी एफ प्लस पी आई होता है, पी आई तो ऑलरेडी 0 है बिकॉज q आपका 0 है। तो वाई एक्स क्या हो जाएगा आपका सोल्यूशन, सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। अब हमें यूज़ करना है बाउंड्री रिस्ट्रिक्शन जो दे रखी है वाई जीरो पे 1 दे रखी है, यानी वाई एक्स के प्लेस पे 0 रखोगे तो वाई जीरो की वैल्यू 1 है। तो देखिए वाई जीरो की वैल्यू में 1 दे रखी है, तो हमने पुट कर दिया है एक्स के प्लेस पे 0, तो सी वन कॉस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो सी वन की वैल्यू हमें मिल गई 1। अब हमें वाई टू पाई पे क्या दे रखा है 1 y 2π, ठीक है। तो x की जगह पर क्या रखना है 2π रखना है, तो cos 2π प्लस c2 sin 2π, cos 2π की वैल्यू 1 और sin 2π की वैल्यू 0। तो यहाँ से देखिए c2 की वैल्यू निकालनी है, तो c2 समथिंग 0 आ रहा है, तो यहाँ पर c1 c2 वैनिश हो गए हैं। जब आपका ऐसा होता है कि c2 हमें निकालना था वो वैनिश हो गए हैं, इसका मतलब है कि c2 आपका आर्बिट्री है, और जब जब आपका ऐसा कंडीशन आएगा तो जो आपका सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा, यानी कि एक्सटर्नल हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो आशा करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा, किसी भी पॉइंट पर दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।